हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसिस किंजल पंचल, आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ, लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर न्यू यूनिट फोर, सॉरी चैप्टर और यूनिट दोनों सेम ही है बच्चों, ओके? क्योंकि कभी यूनिट की जगह चैप्टर भी बोल लेती हूँ मैं, तो समझ जाना कि नया वाला चैप्टर है, ओके? नया वाला यूनिट है, ओके? तो आई विल स्टार्ट न्यू यूनिट, ओके? फॉर वॉट टाइम इज इट, क्या टाइम है, वॉट टाइम इज इट, ये कौन सा टाइम है, यानी ये पूरा चैप्टर जो है, यूनिट है जो, वो आपके टाइम यानी समय के ऊपर है, ओके? बिफोर स्टार्ट इन टेक्स्ट बुक आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हार्ड वर्ड्स ऑफ यूनिट फॉर, ओके? बच्चों अभी मैंने जो हार्ड वर्ड्स है, मैं पहले ऐसा था कि यूनिट 1, 2, 3 में कैसे हार्ड वर्ड्स मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है, ओके बच्चों, बोर्ड पर एक्सप्लेन किया, पर बच्चों अभी मैं नोटबुक में ही लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ हार्ड वर्ड्स, क्योंकि कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा बाकी रह जाता है और अभी एग्ज़ाम भी आपकी आ रही है और अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो इतना कोर्स कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ इस तरीके से वीडियो बनाया है, ओके बच्चों? तो पहले मैं यहाँ पर ही आपको जो हार्डवर्ड से वो एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके? ध्यान देना। स्ट्रेंज मीन्स जिसको हम जानते नहीं है, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, यानी स्ट्रेंजर बोल आर लगा दो तो स्ट्रेंजर मीन्स जिसको हम पहचानते हैं, वैसे कोई पर्सन व्यक्ति होते उसको स्ट्रेंजर होते, और स्ट्रेंज मीन्स विचित्र। सेकंड है बैरल मीन्स अब वो पीप बोलते हैं, पीप उस तरीके से, पीप मीन्स जिसको क्या बोलते हैं, पिपड़ा बोलते हो ना जो हिंदी में पीप बोलते हैं, हाँ, तो पीप जो होता है ना वो बैरल, जिसमें सामान लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो रखते हैं। कंपेनियंस मीन्स एक्चुअली कंपेनियंस मीन्स फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स आपके दोस्त होते हैं, साथीदार होते हैं, उसको कंपेनियंस होते हैं। रस्ट यू नो वेरी वेल, डस्ट मतलब जमा हुआ होता है, डस्ट मीन्स कैसा होता है, वो घास फूस का वो सब होता है ना वो, ओके? कन्फ्यूज यू नो वेरी वेल। स्टेर मीन्स एक ही नज़र से देखना, जिसको क्या बोलते हैं, ओड लुकिंग, मतलब एक ही नज़र से देखना, यानी अपनी पलके भी मत झपकाना, ऐस तरीके से एक ही नज़र से देखते हैं ना। टैटर मीन्स फटा हुआ कपड़े, जो फट जाते हैं उसको, जिसको ऐसे बोले टॉर्न मतलब कपड़े फटना, तो उसको दूसरा वर्ड है टैटर। एब्रेविएशंस मीन्स शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, या तो संक्षिप्त रूप जिसको बोलते हैं ना हम, यानी शॉर्ट में लिखने का, ओके? तो स्टूडेंट्स ये थे आपके हार्ड वर्ड्स ऑफ यूनिट फॉर, ओके? ये आपके हार्ड वर्ड्स है, तो आपको अब नए पेज पर ऐसे करके यूनिट फॉर, व्हाट टाइम इज इट इतना करके नए पेज पर हार्ड वर्ड्स लिखना, ये सारे हार्ड वर्ड्स हैं, ओके? और हार्डवर्ड्स के बाद आपको कीवर्ड्स लिखना है जो मैं आपको बता दूंगी, ओके बच्चों? स्टूडेंट्स ये रहे आपके जो कीवर्ड्स हैं, वो आपको इंग्लिश की नॉलेज में, यानी हार्डवर्ड्स लिखना है उसके बाद कीवर्ड्स लिखना है, ओके? आपको अगर सब कुछ समझ में नहीं आए तो आपके पेरेंट्स की हेल्प ले लेना बच्चों, ओके? उनको एक बार पूछ लेना कि किस तरीके से लिखना है, ओके? कि समझ में ना आए तो नए पेज पर नया यूनिट, ओके? न्यू पेज न्यू यूनिट, यूनिट फॉर हार्डवर्ड्स कीवर्ड्स देख लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, आई विल स्टार्ट यूनिट फॉर इन टेक्स्ट बुक, ओके? सो ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, ओके? फॉर्थ स्टैंडर्ड आपकी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है वो ओपन कीजिए, ओके?
स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। कीवर्ड्स हो गया, पहले हार्डवर्ड्स उसके बाद कीवर्ड्स। नाउ आई विल एक्सप्लेन यूनिट फॉर इन टेक्स्ट बुक। ओके सो फर्स्ट लिसन केयरफुली एंड लुक एट योर टेक्स्ट बुक। ओके आपकी जो टेक्स्ट बुक उसकी तरफ देखना, क्योंकि और मेरे को तो सिर्फ सुनना ही है, आप मेरे को देखने का तो है ही नहीं आपको। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी वन। एक्टिविटी वन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, डिस्क्राइब ईच क्लॉक वॉच। ओके वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक यानी हमें ये पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और उसके बारे में हमें बोलना है वर्ड्स। यहाँ ये एक्टिविटी वन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, सिर्फ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक यू नो वेरी वेल, आपके सबके घर में वॉल क्लॉक होगी, सबके घर में। ऐसा जरूरी यहाँ राउंड है, पर ऐसा जरूरी सबके घर में, कोई भी स्क्वायर में होगी, रेक्टेंगल में भी, कोई भी शेप में होगा। ओके तो वॉल क्लॉक, क्लॉक तो सब एक ही होता है, टाइम ही दिखाता है, सब क्या दिखाता है, टाइम ही बताता है। ओके पर क्या है, सब अपने हिसाब से अलग अलग शेप में, जिसको जैसी पसंद आए वैसी लेके आते। ओके उस तरीके से वॉल क्लॉक। ओके पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम मीन्स ये बजता है, जैसे 12 o'clock हुआ, 1 o'clock हुआ, 2 o'clock हुआ, 3 o'clock, यानी जैसे जैसे o'clock का टाइम होता है ना, जितने बजते हैं उतने टाइम में ये बजता है। कभी कभी ऐसा भी आता है, ये पेंडुलम में कैसा कि 1 o'clock हुआ तो 1 time बजेगा, 2 o'clock हुआ तो 2 time, 3 o'clock हुआ तो 3 time, 4 o'clock हुआ तो 4 time, इस तरीके से की भी ये पेंडुलम। पर अभी इसकी फैशन चली गई है बच्चों, क्योंकि सब लोग ऐसे ही लेके, और अब तो डिजिटल भी रखते हैं पता है घर में। ओके उसमें क्या टेम्परेचर घर का होता है वो भी आता है, डेट आता है, वो सब दिखाई देता है। ओके बच्चों इस तरीके से रिस्ट वॉच, रिस्ट मतलब यहाँ जो पहनते हैं ना हम, यहाँ हाथों में देखो, ये भी टाइम ही दिखाता है। पर रिस्ट वॉच कैसी होती है, स्मॉल होती है, और ये हम पहन के कहीं भी घूम सकते हैं। ये और ये वाली ऊपर वाली होती है ना वॉल वॉलर पहनना, वो हम पहन नहीं सकते, नहीं तो कैसा लगेगा। और ये तो हाथ में भी अच्छी तरह से पहन सकती, तो गले में भी नहीं लटका सकते। ओके तो ये है। ओके डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स, ये टीचर और फ्रेंड्स के साथ जो अभी पॉसिबल नहीं। ओके क्योंकि अब हम स्कूल में अभी जाते नहीं हैं और कोरोना की वजह से, तो यहाँ मैं डिस्कस आपको कर रही हूँ। ओके ये आपको लिखने की एक्टिविटी वन लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके वन नंबर का क्वेश्चन, हाउ मैनी हैंड्स, हैंड्स मीन्स वो जो कांटे होते हैं ना अंदर, वो उसको हैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में। ओके हाउ मैनी हैंड्स डस अ वॉच यूजुअली हैव, नेम देम, यानी कितने हैंड्स होते उसके नेम भी बताना है। तो एक्चुअली अ क्लॉक वॉच हैज़ यूजुअली टू हैंड्स, दो हैंड्स होते हैं, एक आवर्स हैंड्स, आवर्स मीन्स एक घंटे का जो होता है ना वो हैंड्स, और मिनट हैंड्स होता है। ओके वैसे तो तीन होते पर, ओके यानी आवर्स और मिनट हैंड्स। सेकंड नंबर, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस डू यू हैव एट योर होम, यानी आपके घर पर किस टाइप की क्लॉक्स और वॉचेस है। तो हमारे घर में कौन कौन सी क्लॉक होती है, एक तो वॉल क्लॉक होती है, वॉल तो सबके घर में होती है। तो आई हैव, क्योंकि आई हैव, यू हैव का हमें पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस डू यू हैव एट योर होम, यानी आपके घर में किस तरीके की क्लॉक्स है। तो आई हैव वॉल क्लॉक, अलार्म क्लॉक एंड रिस्ट क्लॉक, रिस्ट क्लॉक यानी सबके घर हाथ में पहनते हैं सब लोग घर में, ओके इस तरीके के क्लॉक होती है। थ्री नंबर का, डू यू हैव अ वॉल क्लॉक इन योर क्लासरूम, क्या आपकी क्लासरूम में जो वॉल क्लॉक मीन्स दीवार घड़ी जो होती है ना वो है। तो यस यस वी हैव अ वॉल क्लॉक इन आवर क्लासरूम। ओके इस तरीके से आंसर देना है। ओके नाउ एक्टिविटी टू, एक्टिविटी वन लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके बच्चों एक्टिविटी टू, रीड द स्टोरी, स्टोरी हमें रीड करना है। एक्टिविटी टू, रीप वैन विंकल, ये एक इंसान का नाम है, रीप वैन विंकल। ओके ये इंसान का नाम है, रीप वैन विंकल, एक्चुअली इतना बड़ा नाम है तो हम रीप ही बोलेंगे।
रिप वैन विंकल वॉज अ लेजी मैन, लेजी मतलब आलसी जिसको बोलते, लेजी मीन्स आलसी, यानी रिप वैन विंकल जो था वो एक लेजी इंसान था, ये रहा लेजी मतलब उसको कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होती, ओके, जिसको और किसी को जिसको कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती उसको लेजी बोलते, ओके। ही वुड ऑफ्टन गो ऑफ इन टू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग वुल्फ टू हंट फॉर रैबिट्स एंड स्क्वेरल्स, ही वुड गो राउंड एंड हर्ट स्मॉल एनिमल्स। अब उतना लेजी था कि उसको है ना बार बार वो कहाँ जाता था, फॉरेस्ट में जाता था, फॉरेस्ट में बार बार जाता था अपने डॉग्स के साथ और वुल्फ के साथ, ओके, अपना डॉग और वुल्फ के साथ वो छोटे छोटे रैबिट और स्क्वेरल्स होते हैं ना उसको हंट करने, हंट मीन शिकार, वो रैबिट और स्क्वेरल का शिकारी करता था, ओके, और वो वहाँ वहाँ घूमता था और छोटे छोटे एनिमल्स को मारता था, हंट करता, शिकार करता था, ओके, वही काम, बाकी कुछ और काम नहीं करता था। वन डे रिप हेल्प्ड अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन कैरी अ बैरल टू अ क्लियरिंग वेयर सेवरल अदर्स वर प्लेइंग अ गेम। अब एक बार क्या हुआ, रिप ने है ना एक स्ट्रेंज ओल्ड मैन मीन्स जिसको पहचानता नहीं, ऐसा एक बूढ़ा इंसान था जो बैरल जो है वो कैरी करके जा रहा था, ओके, उसकी हेल्प करी, ओके, उसकी हेल्प कर दी, जबकि वहाँ दूसरे भी लोग थे जो गेम खेल रहे थे, ओके, वहाँ दूसरे लोग थे लेकिन वो लोग गेम खेल रहे थे, खेल रहे थे। रिप हैड सम ऑफ द पिंक वाटर फ्रॉम द बैरल अलोंग विथ हिज कॉम्पिनियंस, ओके, सून ही फेल स्लिप। अब रिप के पास है ना थोड़ा सा पिंक कलर का वाटर था, पिंक कलर का पानी, पिंक यानी गुलाबी जिसको बोलते हैं, ओके, थोड़ा सा पानी था वो बैरल में से जो उसको मिला था, ओके, तो उसने अपने कंपेनियन मतलब फ्रेंड्स के साथ है ना वो जो पिंक पानी था वो ड्रिंक कर लिया और वो तो सो गया। सुन ही फेल स्लिप, अब सो गया वो, पानी जैसे भी हम पता है कुछ ऐसा होता है तो कि पीने से नींद आती है, उस तरीके से उसको उसने वो पानी पिया पिंक वाटर और उसके बाद वो तो सो गया। When he awoke, he was alone. Rip looked for his gun. To his surprise, it was covered in rust. Feeling confused and hungry, Rip headed for his village. अब जब वो जगा, awoke means जब वो जागा, तब वो अकेला था, alone means अकेला था, जब वो जागा ना तब वो अकेला था, कॉम्पिनियन के साथ ही उसने बैरल का जो पिंक वाटर था वो ड्रिंक किया था, पर जब वो उठा ना तो वो अकेला था, अलोन था, तो रिप लुक्ड फॉर हिज गन यानी उसने अपने गन के लिए देखा तो वो तो सरप्राइज हो गया। इट वॉज कवर्ड इन रस्ट यानी पता है सो जाने के बाद के ऊपर कितनी धूल, उसके ऊपर भी कितनी धूल मिट्टी वो सब जमा हुई होगी, कैसा हो गया होगा, तो वो भी सरप्राइज है कि गन के ऊपर इतनी सारी रस्ट, सरप्राइज तो हो जाएगा ना कि उसको इतना पता, उसने तो वो पिंक वाटर ड्रिंक किया उसके बाद सो गया है। फीलिंग कन्फ्यूज एंड हंग्री, अब उसको कन्फ्यूज हो गया था कि ये कैसे हुआ, मेरा मैं ऐसा हो गया हूँ, मेरे कपड़े ऐसे, ओके, कि कपड़े ऐसे, ये सब देखे कि सो गया था, कितने साल के लिए सो गया था वो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, ओके, और उसको भूख भी लगी थी और फिर उसने क्या किया, उठ के अपनी गन ली और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। When he reached there, people gathered around him, staring at his tattered clothes and long grey beard. Okay? अब जब वो वहाँ पहुँचा, When he reached there, मतलब वो जब वहाँ पहुँचा तो लोग इकट्ठे हो गए थे उसके आसपास, उसको देखने लगे थे, उसके फटे हुए कपड़े की तरफ उसको एक स्टैंड एक ही नज़र से देख रहे थे, पता कभी कभी कोई अचानक से आ जाता है तो एक ही नज़र से देखते क्या हुआ है ऐसा,
तो टैटर्ड क्लोथिस मतलब फटे हुए कपड़े उसकी तरफ एकदम से देख रहे थे, और लॉन्ग ग्रे बियर्ड यानी उसकी बियर्ड भी थी वो भी लंबी लंबी हो गई थी। बियर्ड मीन्स वो डाटी होती ना डाटी, वो बड़ी बड़ी हो गई थी। रीप सॉ अ यंग वूमन वो लुक्ड लाइक हिज वाइफ। अब रीप ने भी एक यंग वूमन को देखा जो उसकी वाइफ की जैसी दिखती थी। ओके, यानी रीप ने एक उसकी वाइफ के जैसे दिखती हुई लेडीज की तरफ, यंग लेडी वूमेन की तरफ देखा। ही आस्क्ड हर हू सी वॉज, उसने उसको पूछा कि तुम वो कौन थी, उसने उसको भी पूछ लिया कि तुम कौन हो ऐसे। सी टोल्ड हिम हर नेम एंड सेड हर फादर हैड लेफ्ट द हाउस 20 years अगो विथ हिज डॉग एंड हैड नेवर बीन सीन अगेन। जब उसने मिस्टर रीप ने बोला कि तुम कौन है, तब उसने बोला उसको क्या बोला कि उसने कहा कि मेरे पिता है ना, उन्होंने 20 साल पहले ये घर अपने डॉग के साथ छोड़ दिया था, उसके बाद वो कभी भी नज़र में नहीं आए, फिर से नज़र नहीं आए। ओके, यानी सुनो 20 years पहले वो वहाँ गया था और उसने वो पिंक वाटर ड्रिंक किया था, फिर सो गया, 20 years के बाद वो वापस आया, ऐसा ही ना। आई एम योर फादर, यहाँ यू नहीं है, ओके, योर आता है बच्चों, यहाँ यू लिखा है। आई एम योर फादर क्राइड रीफ जॉयफुली एंड टोल्ड देम ऑल हाउ ही हैड बीन असलीप फॉर द लास्ट 20 years। फिर जब उसने पूछा, बोला ना वो कि तुम कौन हो, तब उसने बताया कि मेरे पापा 20 साल पहले अपने डॉग के साथ घर छोड़ दिया है, उसके बाद उनको कभी दिखे ही नहीं। तब रीप को लगा कि हाँ मैं ही हूँ, तो बोले कि वो मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, और रोने लगा, जॉयफुली मीन्स खुशी से रोने लगा। ओके, क्राइड रीप जॉयफुली यानी वो खुशी से रोने लगा। एंड टोल्ड देम, और सबको बताया कि किस तरीके से वो 20 साल के लिए सो गया था, 20 साल के 20 years के लिए सो गया था। ओके बच्चों, अब ये आए फिल इन द डिटेल्स नेम ऑफ द कैरेक्टर। तो हमने पहला कैरेक्टर किसका, रीप वैन विंकल। ओके, तो वो कौन था, लेजी मैन। ओके, उसके बाद एन ओल्ड मैन, वो क्या था, अ बैरल ऑफ पिंक वाटर। उसके पास क्या था, उससे क्या क्या उसके पास था, कैरिंग लिक्विड लिख सकते हो क्या, कैरी। अब फिर है विलेजर्स तो क्या कहते हैं, सरप्राइज टू सी रीप। ओके, इस तरीके से। ओके, ये इतने कैरेक्टर। बी है इमेज योर, यू आर रीप वैन विंकल, टेल योर स्टोरी टू द क्लास। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अपने आप को रीप वैन विंकल समझना है और अपनी स्टोरी सिखाना बताना है क्लास में, जो भी पॉसिबल नहीं। ओके बच्चों, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, एक्टिविटी 1-2 लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, नाउ टर्न योर पेज, एक्टिविटी 3, रीड एंड एंजॉय। ये हमें एंजॉय करना है, रीड भी करना है, एंजॉय भी करना है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये पोएम जैसा ही है। ओके, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। ओके, रीड एंड एंजॉय। क्लॉक टिक, इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग, हैव टू ब्रश माई टीथ, हैव टू गो थ्रू बाथ, हैव टू गेट रेडी फॉर द स्कूल। यानी देखो, क्लॉक टिक मीन्स ये घड़ी की जो आवाज़ होती है, टक टक टिक 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 टॉक टिक टॉक, उस तरीके की आवाज़ के लिए ऐसा नाम रखा है। ओके, तो क्लॉक टिक यानी टिक टॉक टिक टॉक। ओके, सुबह के साढ़े छः बजे हैं, मैं अभी ब्रश करूँगा, यानी अभी ये ब्रश करेगा, उसके बाद बाथ यानी नहाएगा, उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होगा। ओके, 6:30 बजे उठता है और फिर ये सब काम करता है, ब्रश करता है, नहाता है और स्कूल के लिए रेडी होता है। यानी 6:30 बजे उठने का,
उसके बाद ब्रश नाने का और स्कूल के लिए रेडी होना, यानी आधा घंटा तो हो गया। 7 o'clock, क्लॉक टिक क्लॉक, इट्स 7 in the morning, हैव टू गो टू द किचन, हैव टू ईट माई ब्रेकफास्ट, दैन हैव द फूड फुल मी एवरी वैन। यानी अब सुबह के 7 बजे है, वो किचन में जा रहा है और ब्रेकफास्ट खा रहा है, उसके बाद वो जब फूल हो जाता है तब वो बाहर आता है, ओके, खाना खा के। क्लॉक टिक, इट्स 4 in the afternoon, हैव टू डू माई होमवर्क, हैव टू गो टू प्ले इन द गार्डन, हैव मी टू रिलैक्स आफ्टर द होल डेज हार्ड वर्क, ओके। अब टिकटॉक टिकटॉक, क्लॉक टिक क्लॉक टिक, मतलब टिकटॉक टिकटॉक। और अब दोपहर के चार बजे अब वो उठ के क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है। होमवर्क करने के बाद गार्डन में खेलने जाता है। तो वो क्या होता है, खेलने के बाद जो उसके बाद क्या होता है, पूरे दिन का जो हार्ड वर्क होता है ना उनका, सुबह से 6:30 बजे से, उससे उसको रिलैक्स मिलता है, खेलने जाता है ना गार्डन में, तो ओके। क्लॉक टिक क्लॉक टिक, इट्स 9 in the evening, हैव टू सेटल माई बेड लाइक अ सेल्फ, हैव द बर्डन ऑफ द डे ऑफ, हैव मी विन माई गुड नाइट स्लीप, ओके। अब शाम के 9 बजे कैसे होता है, अब उसका बेड वो सेट करता है, सेटल माई बेड लाइक अ सेल्फ, यानी वो बेड पर सेट हो जाता है ना, यानी 9 बजे सोने की तैयारी हो जाती है, ओके। और पूरे एकदम गुड नाइट हो जाती है मेरी, गुड नाइट कि पूरे दिन का जो बर्डन होता है वो चला जाता है, ओके। सोने के बाद जो बर्डन होता है कुछ याद ही नहीं रहता, ओके, तो एकदम इंसान फ्री हो जाता है, ओके बच्चों। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यहाँ तक आई विल स्टॉप, ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू, ओके, बाय।